विनोद जी, अभी हमने स्पीकर के चुनाव में देखा, यहां तक कि जब ओम बिरला इमरजेंसी पर बात कर रहे थे तब जो ऑपोजिशन के खेमे में सांसद बैठे हुए वो भी सहमति की मुद्रा में सिर हिला रहे थे। तो इंडिया ब्लॉक का यूनाइटेड रहना भी उतनी ही बड़ी चुनौती है क्या? ममता बनर्जी की तरफ से अभिषेक बनर्जी कह देते हैं कि के सुरेश को भाई हमसे पूछकर तो खड़ा नहीं किया, ये यूनिटी भी उतनी ही तलवार की धार पर खड़ी है क्या, या फिर ये डू और डाई का मसला? देखिए, पहले तो मैं वो जो शीतल कह रहे थे, हाँ, तो मैं उनकी बात से सहमत हूँ। विपक्ष ने तो मुद्दा बना दिया है नीट को, वो एक दिन संसद में हल्ला मचा करके विरोध दर्ज करके, और उसके पहले भाई जो अभ्यर्थी नीट के सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं उनसे राहुल गांधी ने मिले, उनको बुलाया। धर्मेंद्र प्रधान को किसने रोका था उनसे मिलने के लिए? नहीं, कुछ डेलीगेशन से मुलाकात की है धर्मेंद्र प्रधान ने, बाद में की है ना? नहीं, पहले कर ली थी। चलिए, डेलीगेशन से कर ली, मान लीजिए, और उनको बुला करके जो है बेहतर तरीके समझा सकते थे। तो विपक्ष ने वो तो पहले मान ही नहीं रहे थे कि इसमें कोई गड़बड़ी हुई है, फिर उनका नहीं गड़बड़ी हुई है, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, फिर कहा मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूँ। तो नैतिक जिम्मेदारी का फिर उसका नतीजा क्या निकला? नैतिक जिम्मेदारी तब होती है जब आप नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कम से कम पेशकशी करते हैं इस्तीफे की, जैसे भले प्रधानमंत्री से स्वीकार ना करते। मुझे याद है कौन सा यूपीए की सरकार थी और कोई बड़ी दुर्घटना हो गई थी, कुछ हो गया था मसला, तो उस वक्त मंत्री थे शायद जयराम रमेश किसी के, उन्होंने जाके पेशकश की थी और मनमोहन सिंह ने मना कर दिया था। तो पेशकश तो कर सकते थे आप, पर उससे गंभीरता दिखती ना कि भाई कि आप इस मुद्दे को लेकर गंभीर हैं। तो विपक्ष ने मुद्दा तो ले लिया है इसको लेकर के, जिस तरह प्रदर्शन जगह जगह कांग्रेस के लोगों ने किए या और विपक्षी नेताओं ने किए। अब जो शीतल भाई कह रहे हैं, मैं सहमत हूँ कि विपक्ष अगर ज्यादा इस पे गतिरोध पैदा करेगा सदन के अंदर तो उस पे आक्षेप लगेगा कि आप जो है टकराव की मुद्रा में है। तो ये प्रोजेक्शन कैसा बन रहा है नीट के मसले पर? नहीं, ये जो दिख रहा है तस्वीर, संसद में विपक्ष मुद्दा बनाना चाहता है, सरकार चर्चा नहीं करनी चाहती, ये तस्वीर कैसी दिख रही है? जिम्मेदारी की दिख रही है? देखिए, जिम्मेदारी की, विपक्ष का जो उद्देश्य है, हाँ, वो ये मैसेज देना चाहता है नौजवानों को, युवाओं को, कि आपके मुद्दे को हमने संसद में उठा। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुमा केसरी। आना चाहते हैं और सरकार उसको नहीं उठाने दे रही है। लेकिन अगर खाली इसी मुद्दे को लेकर के विपक्ष गतिरोध पैदा करेगा तो विपक्ष पे आरोप भी लगेगा कि भाई आप संसद चलने नहीं दे रहे। तो बेहतर यही है कि इस विपक्ष, अब उसने अपना प्रतिरोध कर लिया, अब सोमवार को वो आश्वासन ये सरकार से ले ले कि भाई दो दिन के लिए या एक दिन के लिए सदन बढ़ाया जाए, उस तो नीट पे भी चर्चा हो, और उसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जितना वो नीट पर बोल सकते हैं उतना बोले। ये संभव है कि एक्सटेंड हो ये सदन 3 जुलाई से आगे? इसको विपक्षी मांग तो रखे, और सरकार कैसे रिएक्ट करती है सरकार को तय करना है, वो भी एक मैसेज जाएगा। अगर सरकार नहीं एक्सटेंड करती है तो वो भी विपक्षी आंख में जाएगा, और सरकार अगर एक्सटेंड करती है तो उस पर चर्चा होगी। तो ये तो मुझे, और सरकार की तरफ से ये अनौपचारिक रूप से भाजपा के प्रवक्ताओं ने तमाम चैनलों पर कहा भी है कि भाई आप ये मुद्दा रख सकते थे, सरकार बढ़ा सकती है इस समय, उसे मांग कर सकते हैं। तो अगर विपक्षी करता है कि भाई एक दिन का दो दिन का समय बढ़ाया जाए और हम ठीक है राष्ट्रपति का भाषण, देखिए सोमवार को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी जो सत्र शुरू होने से पहले होती है, उसमें मुद्दा विपक्ष रख सकता है और कह सकता है स्पीकर से कि भाई एक दिन के लिए समय बढ़ा दीजिए जिससे नीट पे चर्चा हो जाए, तो उसमें क्या दिक्कत है। और अगर उसको मना करती है सरकार तो गेंद सरकार के पाले में होगी। ठीक है, गेंद सरकार के पाले में। लेकिन विजय जी, ये सवाल मैं कैरी फॉरवर्ड कर ले आती हूं आपके पास, और सवाल ये कि हम सरकार की चुनौतियों पर तो बहुत बात कर रहे हैं, विपक्ष की भी तो चुनौतियां हैं। ये इंडिया ब्लॉक जिसमें टीएमसी जैसी मजबूत पार्टी, समाजवादी पार्टी जैसी मजबूत पार्टी, इसको यूनाइटेड रखना भी, भाई जिस दम पर आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष ज्यादा ताकतवर है इस दफा जी, उसको भी तो यूनाइटेड रखना चुनौती है। कह दिया अभिषेक बनर्जी ने हमसे बात ही नहीं की के सुरेश के मुद्दे पर। बिल्कुल ठीक बात है, जो विपक्ष या जो लीडर्स सरकार से बातचीत और संवाद की बात कर रहे हो, वो अपने घर में संवाद नहीं रखे, तो ये भी तो एक चुनौती है। और ये साफ हुआ स्पीकर के लेकर भी, क्योंकि वो एकजुट नहीं है। लेकिन मुद्दा ये है, जैसे अभी नीट को, वो इंडिया गठबंधन का एकजुट रहना वो तो हमेशा ही चुनौती रहेगा। अभी आगे चलकर और चुनौतियां भी बन सकती है, बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं कि किस मुद्दे पर आप साथ रहेंगे, किस मुद्दे पर नहीं रहेंगे, क्योंकि अलग अलग लोग हैं, अलग अलग ताकत है, वो चलता रहेगा। लेकिन उनका कॉमन एनिमी है, तो इसलिए शायद वो एकजुट भी बने रहे मजबूरी के तौर पर। बात हो रही है नीट की, 3 दिन की इस कार,
मुझे नहीं लगता कि सरकार ने यह कहा है कि हम नीट पर चर्चा नहीं करना चाहते। जब हम कन्वेंशन की चर्चा करते हैं तो हम बहुत पार्शियल तरीके से करते चर्चा। डिप्टी स्पीकर होना चाहिए, ये तो कन्वेंशन है। वोट जो है, थैंक्स जो मोशन है प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे, वो भी कन्वेंशन है कि उस पर सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए। तो उस पर चर्चा की कन्वेंशन है कि स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जाता, स्थगन प्रस्ताव हाँ, बिल्कुल ठीक है। अभी पहले एक बार वो हो जाएगा जो विनोद जी कह रहे हैं, वो ठीक है कि सरकार के साथ बात करके कि आगे एक दिन बढ़ा दिया जाए तो उस पर चर्चा हो जाए। लेकिन मैं उससे अलग बात कर रहा हूँ, एक दिन बढ़ाया जाए नहीं बढ़ाया जाए, आपके पास इतना बड़ा मौका है। मैं समझ नहीं आ रहा कि ये डिबेट केवल प्रेशर टैक्टिक्स के लिए या दिखाने के लिए है। और नीट बहुत बड़ा मुद्दा है, इसमें कोई इशू ही नहीं है कि विपक्ष नहीं उठाए इस मुद्दे को। हैरानी होती कि यदि नहीं उठाता तो। नीट तो बड़ा मुद्दा है, लेकिन जब प्रेसिडेंशियल एड्रेस पर वोट ऑफ थैंक्स हो रहा है, धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस हो रही है, और 16 घंटे की बहस है लोकसभा में और 12 घंटे की राज्यसभा, हाँ, तो उसके बाद भी आप अलग से क्या चर्चा करेंगे? और जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसमें मैं कह रहा हूँ कि आप एक स्ट्रेटेजी बनाएं कि आपके पास 16 घंटे में मान लीजिए 8 घंटे 6 घंटे मिल रहे हैं, 6 घंटे में आप 5 स्पीकर तय कर दीजिए कि हम केवल नीट पर बात करेंगे। कोई नहीं बोलकर आपको, तो उस पर चर्चा करें और बाकी पे सरकार पे चर्चा करें। लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात क्या है कि यदि आप स्थगन प्रस्ताव लाएंगे या कोई भी मोशन लेकर आएंगे नीट पर चर्चा करने के लिए और सरकार चर्चा कर लेगी, तो उस पर जवाब कौन देगा? शिक्षा मंत्री देंगे, एजुकेशन मिनिस्टर देंगे? देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ देंगे ना। लेकिन धन्यवाद प्रस्ताव पर यदि आप नीट पर चर्चा करेंगे तो प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। अब आपकी चॉइस है कि आप प्रधानमंत्री से नीट पर चर्चा करके जवाब चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री से चाहते हैं, ये आपकी पॉलिटिकल समझ की बात है। विजय विद्रोही कुछ कहना चाहते हैं, विजय विद्रोही, क्योंकि समय अब कम है विजय जी। प्रधानमंत्री जवाब देंगे उसमें नीट का जिक्र करेंगे, ये जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है, जिक्र नहीं करेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिक्र है उसका विजय जी, तो प्रधानमंत्री, लेकिन और आप उस पर दबाव बनाएंगे, गारंटी नहीं ले सकते ना। नहीं नहीं, तो उसके बाद तो आपके पास मोशन है। अगर नीट पर अलग से चर्चा करेंगे, फोकस चर्चा होगी जिसमें शिक्षा मंत्री को जो भी जवाब देना होगा ऑन रिकॉर्ड होगा, और उसका फायदा भी विपक्ष उसका आगे जाके कोई राजनीतिक फायदा भी उठाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री तो दाएं बाएं कर जाएंगे। नहीं, लेकिन विजय जी सवाल ये भी है ना, मणिपुर के मसले पर हमने देखा, अविश्वास प्रस्ताव पर, अगर नीट पर विपक्ष बोला और प्रधानमंत्री ने जो जवाब दिया, प्रधानमंत्री ने विपक्ष के तमाम चीजों को कंसीडरेशन में नहीं रखते हुए जवाब नहीं दिया, तो ये भी तो देश के सामने होगा, साफ हो जाएगा, ये देश के सामने होगा ना कि भाई नहीं बोले प्रधानमंत्री। समीर चौगांवकर, सबसे बड़ी चुनौती इस संसद के आगे आने वाले 3 दिनों की इसी तरह अटकती भटकती दिखेगी हमें जैसे पिछले गुजरे हफ्ते दिखी, बार बार स्थगित। देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष और विपक्ष का जिस तरीके का कटुता भरे संबंध हो चुके हैं, मतलब अविश्वास रेखा इतनी गहरी हो चुकी है कि इनमें सहमति किसी मुद्दे को लेकर बनेगी मुझे संभावना बहुत कम लग रही है। अगर पिछले हम अगर 10 साल का कार्यकाल देखें, अब इतना ज्यादा इनके बीच में, जैसे कहते हैं ना कि मतलब एक दरार इतनी चौड़ी हो चुकी है कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी मामले में इनके बीच में कभी सहमति सदन के अंदर किसी विषय को लेकर बनेगी। सरकार भी एक इंच आगे नहीं बढ़ेगी किसी समझौता करने के लिए, और विपक्ष भी किसी मामले को लेकर एक इंच पीछे नहीं हटेगा। अब जिस तरीके से बहुमत मिला हुआ, बहुमत मिला है मतलब 11 सीटें मिली हुई, एक ताकत मिली हुई है, तो यह तय मान लीजिए कि अगले पूरे 5 साल, मैं सिर्फ 3 दिन की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे 5 साल आपको संसद के अंदर सिर्फ उधम और जो हुड़दंग जो होता है वही दिखेगा, और बहुत चलना मुश्किल होगा। और अगले 2 दिन की बात, अगर कल सुबह का सत्र आप देख लीजिएगा, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होगी, कल भी विपक्ष में होगा, और मुझे लगता नहीं कि कोई चर्चा होने वाली है, कल भी एडजोर्न होने की पूरी संभावना मुझे नजर आ रही है, मुझे नहीं लगता चर्चा होगी। जो ताकत मिल गई भाई, इधर भी ताकत, शीतल सिंह, ये तो सीधा सीधा नुकसान जनता का हो गया भाई। टैक्स पेयर ने जो पैसे से संसद चलाने की गारंटी ली, संसद में घमासान, सीधे सीधे नुकसान। नहीं नहीं, नुकसान इसको इस तरह से नहीं कहते। संसद में विपक्ष अगर किसी मुद्दे पर प्रस्ताव के लिए जोश लगाता है और उसमें कहीं कमोटेशन हो जाता है तो उसको नुकसान नहीं कहते। ये लोकतंत्र का तौर तरीका है, लोकतंत्र में सब होना चाहिए। ये जनता के गुस्से को स्वर देना कहलाता है, लेकिन उससे आगे नहीं होना चाहिए। जो उससे आगे कई बार हुआ है पिछले दौर में, वो अगर नहीं होगा तो बेहतर होगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस समय जो विपक्ष है वो उससे आगे नहीं जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इन 5 गणमान्य पत्रकारों से बात करके समझ में आई, वो ये कि क्या ये मुमकिन है कि विपक्ष ये प्रपोजल रखे कल की बेंच के सामने कि भाई आप संसद को 3 जुलाई से एक्सटेंड कीजिए, 2 दिन का एक्स्ट्रा, 2 दिन का अतिरिक्त समय दीजिए, और उसमें हम पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेंगे और उसके बाद फिर हम अपने मुद्दों को सामने रखेंगे। ये मुमकिन है क्या? अगर ये मुमकिन है
तो यहां से तस्वीर दिखेगी आगे की कि ये कंसेंसस विपक्ष और सरकार के बीच बनने की स्थिति है भी या जैसा शीतल कह रहे हैं और समीर कह रहे हैं कि अब ये खाई चौड़ी हो गई है, अब अगले 5 साल सिर्फ उधम और घमासान दिखेगा। खैर, कल का इंतजार करना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। इजाजत दीजिए, प्रणाम।